five questions that come in the class 10 board examinations from the chapter Human and the Colorful World Physics. Number one, defects of vision, जहाँ पे myopia, hypermetropia and presbyopia related सवाल आपको आते हैं, जहाँ पे इनके होने का reason, correction along with diagram पूछा जाता है. ये दो, तीन या पांच marks तक के लिए आ सकते हैं. Number two, पावर रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, जहां पर आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के पावर निकालने होते हैं लेंसेज के, जहां पर पावर का फॉर्मुला या तो लेंस फॉर्मुला का इस्तेमाल हो सकता है. ये दो से तीन मार्क्स के लिए आपके आते हैं एग्जामिनेशन में. नंबर थ्री, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और उसके रिलेटेड एप्लीकेशन, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स और होता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ये दो मार्क्स के लिए को पूछा जा सकता है. नंबर फोर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट अलॉन्ग विद व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, व्हाई ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड द इवनिंग टाइम द कलर ऑफ द स्काई इज रेडिश, व्हाई ड्यूरिंग द नून द सन इज व्हाइट, एस्ट्रोनॉट को कलर स्काई क्या दिखता है. ये सारे दो से तीन मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं. नंबर फाइव बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एज ए डायग्राम को पांच मार्क के लिए आ सकता है, या तो फिर उनके जो पार्ट्स हैं वो एक एक मार्क के लिए टोटल पांच मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं. दीस आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड गाइस. थैंक्स.